फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा छोड़ मखमली सेजों को अंगारों सा जलना होगा नारी शक्ति को रण में आके चंडी रूप धरना होगा और यदि देश बचाना है तो भगत सिंह बनना होगा चश्मा टोपी बंदर खादी हमको बहुत चुहाते हैं चश्मा टोपी बंदर खादी हमको बहुत चुहाते हैं लेकिन जब जब लाठी देखूं भगत सिंह याद आते हैं भारत माँ का हाल देखकर बापू शीश झुका देंगे शर्त लगा लो गांधी जी भी अब बंदूक उठा लेंगे आप सभी को सागर का नाम सागर पूनिया कक्षा 10 का छात्र सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल की ओर से आज के निर्धारित विषय निर्मम आलोचना व स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण है पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ पिंजरे में बंद एक पक्षी स्वतंत्र आसमान में विचरण करने के लिए बहुत चटपटाता है लेकिन वह उड़ नहीं पाता क्यों क्योंकि वह कैद है वह बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाता वह नहीं सोच पाता कि कैसे मुक्त हुआ जाए आज से कई वर्ष पूर्व हम भारतीयों की भी यही स्थिति थी हम ब्रिटिश साम्राज्य रूपी पिंजरे में कैद होकर गुलामी से भरा जीवन जीने के लिए बाध्य थे अंग्रेज हम पर अत्याचार किए जा रहे थे और हम अपने ही देश में आजादी से विचार विमर्श भी नहीं कर सकते थे लेकिन जब ब्रिटिश शासकों की जुल्म की सीमा पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो हमारे देश के महान शूरवीरों ने इस पर चिंतन किया मनन किया तथा क्रांतिकारी कदम उठाए जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है हम भारतीय आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं इस प्रकार के चिंतन और बदलाव की आवश्यकता हमें हर क्षेत्र में दिखाई देगी चाहे वो राजनीतिक हो सामाजिक हो शिक्षा संबंधी हो खेल संबंधी हो या हमारे दैनिक जीवन से ही क्यों ना जुड़ी हो यदि सामाजिक क्षेत्र पर दृष्टि डाली जाए तो हमारा देश बाल विवाह सती प्रथा लिंग भेद आदि जैसी कुप्रथाओं से ग्रसित था लेकिन राजा राम मोहन रॉय सर सैयद अहमद खान ज्योतिबा फूले आदि जैसी महान विचारधाराओं वाले लोगों ने इसकी तीव्र आलोचना करके इनमें बदलाव लाने की कोशिश की परिणाम स्वरूप आज कोई स्त्री सती होने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही बहुत कम उम्र में लड़कियों के विवाह की बात सुनने को मिलती है आज हमारे देश की बेटियां शिक्षित होकर देश व समाज का नाम रोशन कर रही हैं रुकिए और कल्पना कीजिए यदि बिजली ना होती तो क्या आज की ये भाषण प्रतियोगिता इतने सुचारू रूप से चल पाती शायद नहीं ये पंखे लाइट स्पीकर माइक बिना बिजली के किसी काम के नहीं जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बिजली अर्थात विद्युत का आविष्कार भी एक क्रांतिकारी सोच एवं स्वतंत्र चिंतन का ही परिणाम है एडिसन की इस सोच से संपूर्ण विश्व आज जहां पहुंचा है शायद वहां कभी ना पहुंच पाता उनकी इस सोच ने ही हमें यह आनंदपूर्ण जीवन प्रदान किया है देश की वीरता के महान प्रेरक तथा युवाओं को अग्नि मंत्र में दीक्षित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी भी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी बौद्धिक और तर्क क्षमता से संपूर्ण विश्व में क्रांति ला दी थी या यूं कहें कि पूरे विश्व को पुनर्जीवित कर दिया था वे कहते हैं हे वीर हृदय भारत माँ की युवा संतानों तुम यह विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए ही तुम लोगों का जन्म हुआ है किसी के भी धमकाने से ना डरो यहां तक कि आकाश से प्रबल वज्रपात हो तो भी ना डरो उठो कमर कसकर खड़े हो जाओ और कार्यार्थ हो जाओ उनका यह मानना सार्वकालिक है छोटे से छोटा काम भी समाज में सोच की नई उपज पैदा कर सकता है कुछ लोग परिवर्तन लाने के लिए भाग्य बदलने का इंतजार करते हैं और कुछ लोग परिवर्तन का संकल्प करके भाग्य ही बदल दिया करते हैं हम इंतजार करने वाले नौजवान नहीं भाग्य बदलने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बदलाव लाने वाला मन है और कुछ कर गुजरने के लिए भाग्य नहीं मन चाहिए इच्छा शक्ति चाहिए आज इसी इच्छा शक्ति के साथ हमारे देश के युवा कंठार राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं जिस कारण देश नई बुलंदियां हासिल कर रहा है अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा हमने अपने मौलिक सपने देश के खातिर बेचे हैं लहू सींच कर चमन खिलाया प्राण हलक से खींचे हैं हमने सत्ताधीशों के पैरों से धरती छीनी है कितने भागे खेत छोड़ कितनों ने लाशें भीनी जय हिंद जय भारत